हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्युत अकेडमी में। अव्युत अकेडमी एक करियर कंसल्टेंसी होने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो आइए, आज मैं गवर्नमेंट जॉब की सीरीज़ की बात करने वाली हूं। तो गवर्नमेंट जॉब की सीरीज़ में मैं एक और जॉब ऐड करने जा रही हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम अलग अलग जॉब पोर्टल से आप तक नोटिफिकेशन पहुँचाते हैं। हमारी पूरी टीम वेल रिसर्च करके गवर्नमेंट जॉब्स आप तक पहुँचाती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2019 की। और जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो हैं 1722। और साथ ही अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ पोस्ट नेम की। तो जैसे कि आप जानते हैं, ड्राइवर कांस्टेबल की है जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल वैकेंसी 2019 के तहत निकाली गई है। और साथ ही जो वैकेंसी है वो है 1722। और साथ में जो पे स्केल है वो है 21,700 to 69,100। और जो लेवल 3 पे दी जाएगी पे स्केल आपकी। और साथ ही अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ इस बिहार कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी की। तो कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। जनरल के लिए 736 सीट्स निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 169, एससी एसटी के लिए 266 और 23 सीट्स निकाली गई हैं, ईबीसी के लिए 284, बैकयार्ड क्लासेस या बैकयार्ड क्लासेस फीमेल्स के लिए जो सीट्स निकाली गई हैं वो फीमेल्स के लिए 66 हैं। और साथ ही 176 टोटल सीट्स निकाली गई हैं। तो ऐसे करके डिवाइड करके 1722 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने जा रही हूँ आगे मैं बिहार कांस्टेबल ड्राइवर की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे 10+2 है एग्ज़ाम और पास्ट होना चाहिए एक रिक्रूटमेंट यानी कि एक अच्छे बोर्ड से, तो आप 10th और 12th पास हो सकते हैं। और साथ ही जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका LMV साथ में HMV का। और जो एज लिमिट है वो है 20 मिनिमम और मैक्सिमम 25 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ बिहार कांस्टेबल की जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट है उसकी। तो कैटेगरी में यहाँ पे हाइट की बात करते हैं पहले, तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे अलग अलग है। तो जनरल के लिए जो मेल है उनमें जनरल और ओबीसी के लिए जो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर दे रखी है, और साथ में एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर्स है हाइट। और फीमेल जो है उनके लिए 155 है CMS फॉर ऑल कैटेगरी, मतलब सेंटीमीटर पूरी ओवरऑल कैटेगरी के लिए। और चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैन के लिए, क्योंकि फीमेल्स की नहीं है, तो मेल के लिए यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर्स है, और एससी एसटी के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर्स है। और रनिंग की बात करना चाहूँगी अब मैं आगे फीमेल और मेल के लिए, तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स ये मेल के लिए है कि उनको 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करके दिखानी है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स कि मतलब 5 मिनट्स में उनको 1 किलोमीटर के दौड़ के दिखाना है। और साथ में हाई जंप की बात करती हूँ मैं आगे, तो यहाँ पे जो मेंस के लिए है वो है 3 feet and 6 inches, और फीमेल्स के लिए है 2 feet 6 inches। और लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 10 feet, और फीमेल्स के लिए है 7 feet। और गोल फेक की बात करूँ तो 16 pound weight through 14 feet, और जो फीमेल्स के लिए है वो है 12 pound weight through 8 feet। कार एंड जीप ड्राइवर के लिए जो टेस्ट होगा वो है 1 minute का होगा, साथ में उसमें 3 gear होंगे, चेंज करने होंगे आपको। और जो बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं इसके ऑफिशियल। तो आइए अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, और साथ ही एससी एसटी और पीएच के लिए 112 है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, जो आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, या आप चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और साथ में अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने जा रही हूँ आगे। सो जो स्टार्टिंग की डेट है वो है 30th November 2019, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 30th December है, और जो पेमेंट की भी लास्ट डेट 30th December दे रखी है। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट्स बिहार कांस्टेबल वैकेंसी भर्ती को भरने वाले हैं उनके लिए, कि यहाँ पे आप जो इसकी वेबसाइट है www.csvc.bih.net पे जा करके आप सब कुछ एक बार देख सकते हैं, लिंक को भी एक साथ बार देख सकते हैं। साथ में जो है जॉब लोकेशन आपकी बिहार रहेगी, और साथ में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आप रिटर्न टेस्ट देंगे, जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाइड होगा उसको फिजिकल टेस्ट देना होगा, देन ड्राइविंग टेस्ट। फ्रेंड्स, आप इस जॉब के बारे में तो जान ही गए होंगे, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, साथ में वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है। आप उस पर जा करके एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं,
और जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को फेल करने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।